वेलकम यू ऑल इन टी आर एस वीडियो लेक्चर्स। तो इस क्वेश्चन हम लोग इंजीनियरिंग सर्विस 2019 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन सेट ऐसे है, तो इसमें क्वेश्चन है, टूरिस्ट कवर्स हाफ ऑफ इज जर्नी बाय ट्रेन एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड हाफ ऑफ द रिमाइंडर बाय बस, है ना। और बस से जो जा रहा है उसमें जो स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर है एंड द रेस्ट बाय साइकिल एट 10 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड ऑफ द टूरिस्ट ड्यूरिंग द जर्नी इज, ये हमारे चार ऑप्शन हैं, 36 किलोमीटर पर आवर, 133, ये। तो इसका ऑप्शन तो 24 किलोमीटर पर आवर होगा। तो हम लोग यहाँ से समझेंगे कि इस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोग ए से बी डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हम लोग एज्यूम कर लिए एक्स है, और फर्स्ट जो ए टू बी डिस्टेंस है मतलब हाफ ऑफ द डिस्टेंस मतलब एक्स बाय टू डिस्टेंस के समय ट्रेन से जाता है, तो स्पीड हमारा 60 किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद रिमेंडिंग हाफ जो है रिमाइंडर का हाफ मतलब एक्स बाई फोर डिस्टेंस वो 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। फिर उसके बाद जो रिमेंडिंग पोर्शन है साइकिल से जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से। तो इस तरीके से हम लोग डायग्राम बना लिए। उसके बाद हम लोग पता है कि एवरेज स्पीड जो होता है टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम टेकन होता है, तो x1 t1 t2 t3। डिस्टेंस तो टोटल हमारा सेम रहेगा, लेकिन चूँकि जब हम लोग ट्रेन से जाएंगे उस समय स्पीड डिफरेंट है और बस से स्पीड डिफरेंट है और साइकिल से डिफरेंट है, तो तीनों में टाइम का डिफरेंस हो जाएगा। तो हम एज्यूम कर लें t1 t2 t3 जब ये ट्रेन से जा रहा है, बस से जा रहा है और साइकिल से जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग, उसके बाद एक फार्मूला होता है बी बराबर एस बाई टी, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम हो जाएगा हमारा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इस तरीके से हम लोग सिंप्लीफाई करके हमारा जो एक्सप्रेशन आ जाएगा 120/5, तो 24 किलोमीटर पर आवर जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ये सी ऑप्शंस। हाँ, अब एक प्रोबेबिलिटी का हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, ये इसमें दिया हुआ है कमिटी ऑफ फोर इज टू बी फाउंड फ्रॉम एमंग फोर गर्ल्स एंड फाइव बॉयज, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कमिटी विल हैव नंबर ऑफ बॉयज लेस देन नंबर ऑफ गर्ल्स। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको हम लोग समझते हैं। तो टोटल जैसे पर्सन्स जैसे हो गए कमिटी के लिए जो अवेलेबल्स हैं वो फोर गर्ल्स और फाइव बॉय हैं, मतलब हमारा नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस हो गए 4 + 5 = 9। अब इसमें इवेंट जो हम लोग जनरली प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है NE/NS, नंबर ऑफ इवेंट्स पर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस 9 है हमारा, और इवेंट्स को हम जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है उसको कहते हैं। तो यहाँ पर इवेंट्स कहा जा रहा है कि कमिटी फॉर्म करो जिसमें कि नंबर ऑफ बॉयज़ जो है लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स होने चाहिए। तो इसको देखते हैं, चार का कमिटी बनाना है, तो बॉयज़ और गर्ल्स इधर लिख दिए। तो अगर हम बॉयज़ 1 लिए और गर्ल्स 3 लिए, तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज़ जो है वो लेस देन नंबर ऑफ गर्ल्स है। तो मतलब एक इवेंट्स ये हो गया 3 girls 1 boy। फिर दूसरा हम ऐसा कर सकते हैं, बॉयज़ को 0 ले लिए और गर्ल्स को 4 ले लिए, तो इस केस में भी हमारा नंबर ऑफ बॉयज़ जो है लेस देन नंबर ऑफ गर्ल्स है। तो दूसरा पॉसिबिलिटी है 4G 0B। उसके बाद अगर सपोज हम दो बॉयज़ लेते हैं तो दो गर्ल्स लेना पड़ेगा, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज़ यहाँ है इक्वल टू हो जा रहा नंबर ऑफ गर्ल्स, लेकिन होना चाहिए नंबर ऑफ गर्ल्स शुड बी नंबर ऑफ बॉयज़ शुड बी लेस देन नंबर ऑफ गर्ल्स। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ के अलावा हमारा कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं होगा, इसलिए हमारा जो नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे वो 2 हो जाएंगे और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 9 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स हमारा 2/9 हो जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 2/9 होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई थिंक ये वीडियोज़ आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा सोल्यूशंस को समझने में इंजीनियरिंग सर्विस के। थैंक यू।